हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज एक ऐसे काउंटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे, जो कि आपको बेहतरीन लेबल्स पर इस वक्त मिल रहा है। और यहां से अगर आप बाय करते हैं देन आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये काउंटर वीकली चार्ट पर बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव ब्रेकआउट तैयार कर रहा है। और अगर फ्राइडे तक ये पॉजिटिव ब्रेकआउट तैयार हो गया देन डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलेगा और अच्छे रिटर्न्स भी ये स्टॉक आपको देगा। पिछले काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में था ये स्टॉक और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक है ये। ट्रेंड रिवर्सल, क्या इस काउंटर में ट्रेंड रिवर्सल है? जी हाँ दोस्तों, इस काउंटर के अंदर ट्रेंड का रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और कहाँ पर बाय करना है इन लेबल्स को भी नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको देगा शानदार मुनाफे इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो दोस्तों, ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है TVS मोटर्स। 569.35 के लेवल्स पर है आज, 3% अप है TVS मोटर्स। इससे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पर, क्या ज़बरदस्त निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। कल तीनों स्टेट्स में कांग्रेस की विक्ट्री के बाद काफ़ी पॉजिटिव लिया मार्केट ने। द रीज़न इज़ नॉट कि बीजेपी ने इलेक्शन लूज़ किया, रीज़न कि एक स्टेबल गवर्नमेंट और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के साथ तीनों ही स्टेट्स में कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया है। सो ये एक अच्छी खबर है और मार्केट ने इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया। कल हालांकि मार्केट 10,333 तक के लेवल के लो तक गया था अर्ली सेशन में, बट लेटर ऑन मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और पॉजिटिव बंद हुआ। और आज फिर मार्केट ने एक ज़बरदस्त अप मूव के साथ स्टार्ट किया और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी अभी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 10,780 के आसपास का लेवल रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी द 10,780 एंड द सेकंड टारगेट ऑफ द निफ्टी विल बी 10,950 अराउंड। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, लेट सी कि कितने दिनों में ये 10,950 तक पहुँचता है और एक बार उसको अगर क्रॉस करता है देन हमें एक और अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेंड, चूंकि निफ्टी का पॉजिटिव है, निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है स्टॉक्स को। यहाँ पर TVS मोटर का चार्ट बहुत बेहतरीन है। फंडामेंटल्स तो कंपनी के अच्छे हैं ही, फंडामेंटल्स के बारे में मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि TVS मोटर की अगर आप देखेंगे तो क्षितिज गांधी ने 611 रुपये के टारगेट के साथ बाय कॉल दी हुई है 5 दिसंबर 2018 को। ओके, TVS मोटर पोस्ट 27% ग्रोथ इन द नवंबर सेल्स, यानी कि जो भी नवंबर सेल्स है उसमें 27% ग्रोथ है, 3.1 लाख यूनिट सेल्स की हैं और एक्सपोर्ट इनका 24% अप हुआ है। तो ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप स्टैंड अलोन नंबर्स को देखेंगे सितंबर के, तो 4993 लगभग 5,000 करोड़ का टर्नओवर दिखाया है कंपनी ने सितंबर 18 के क्वार्टर में, जबकि सितंबर 17 क्वार्टर में केवल 4,000 करोड़ का ही टर्नओवर था। सो अराउंड 1,000 करोड़ का टर्नओवर इंक्रीज़ हो गया कंपनी का ईयर ऑन ईयर के ग्राउंड पे। साथ ही अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 213 करोड़ के आसपास था, जिससे लिटिल बिट माइनर सा कुछ डिक्रीज हुआ है 211.31 करोड़ के आसपास। ओके, सो प्रॉफिट्स बॉटम लाइन जो है वो कॉन्स्टेंट ही ऑलमोस्ट, बट टॉप लाइन के अंदर एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ तक चार्ट इंडिकेशन क्या कहता है आप देखेंगे, ये वीकली चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ट्रेंड आप देखिएगा, ये बहुत बढ़िया ट्रेंड एक बना था इसने, और आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही काउंटर था, बॉटम तक जाता था देन उसके बाद एक अपसाइड का पोटेंशियल था जो वहाँ पर टॉप लाइन को छूता था। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड तैयार हुआ जो कि हमें साफ दिखाई भी दे रहा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस वन। और आज कल ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था बट नहीं कर पाया लास्ट वीक। इस हफ्ते में शानदार तेज़ी के साथ इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करते हुए, पॉजिटिव ब्रेकआउट है ये ट्रेंड, रिवर्सल का इंडिकेशन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड था, इस ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर कभी भी स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। लेकिन आज इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रेड करता हुआ TVS मोटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर फ्राइडे तक इसने मैनेज कर लिया, RSI भी काफ़ी बुलिश नज़र आता है मुझे, एंड वंस द स्टॉक विल क्लोज अबव 570 इन द टिल फ्राइडे देन डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हमें बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट टारगेट विल बी द 610 रुपीज़,
इनिशियल टारगेट रहेगा 610 रुपीज़। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन मिल सकता है काउंटर के अंदर, बट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काउंटर के अंदर हमें 680 से 690 के टारगेट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मार्केट में अभी अपमूव है बट करेक्शन भी आएगा, तो जब करेक्शन आएगा तब तक आई होप कि ये स्टॉक लगभग 600 रुपये का लेवल टच कर चुका होगा, एंड आफ्टर दैट वहाँ से 600-605 को टच करने के बाद टी वी एस मोटर में हमें कुछ एक माइनर सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेश बाइंग पोजीशन। अभी भी आप लोग बाइंग ले सकते हैं टी वी एस मोटर के अंदर, क्योंकि ये काउंटर अगले कुछ ही दिनों में, मतलब बहुत जल्दी ही ये आपको 600 तक के लेवल्स ज़रूर दिखाएगा। दोस्तों जब भी पॉजिटिव ब्रेकआउट मिलते हैं तो वो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हमें पता होते हैं एग्जैक्टली। तो ये जो कैंडल ग्रीन है, अगर आप यहाँ पर बाइंग लेते हैं तो इसकी क्लोजिंग जो है, इसका जो लो है 533, दैट विल बी योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। याद रखिएगा जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, लास्ट कैंडल अभी 570 पे चल रहा है, बट इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 533, जो कि इस कैंडल का लो रहा है। तो 533 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को लॉन्ग कीजिएगा, 610 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, एंड वंस दिस काउंटर विल क्लोज आउट 610 रुपीज़, देन डेफिनेटली आपको 650-680 तक के लेवल्स इसमें मिलेंगे अगले 6 to 9 months के अंदर। तो दोस्तों ये हमने बात की टी वी एस मोटर्स के अंदर, बहुत ही अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा ब्रेकआउट आप देखेंगे, 173 पॉइंट मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है अपसाइड में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है टी वी एस मोटर्स के ऊपर जाने की, कि जो निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, हम लोग यह बात करते हैं निफ्टी ऑटो, ओके, सो निफ्टी ऑटो का अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी ऑटो में भी एक अच्छा मूवमेंट, अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। बॉटम लाइन तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट 8500 तक, इसका बॉटम लाइन है निफ्टी ऑटो का, इंडेक्स का। यहाँ से एक अच्छे मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, एंड यहाँ पर देखिएगा या मूविंग एवरेज 10 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर, सॉरी सुपर ट्रेंड है ये, सुपर ट्रेंड में, जैसे ही सुपर ट्रेंड में देखिए क्या होता है, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर की तरह ही यूज़ होता है। जैसे ही ग्रीन के ऊपर की क्लोजिंग होती है, जैसे ही आपकी ग्रीन लाइन शुरू होती है और आपकी क्लोजिंग जो इसके ऊपर है, देन आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, जैसे ही रेड लाइन स्टार्ट होती है आप वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। सो सुपर ट्रेंड के बारे में हम लोग कभी लेटर ऑन समझेंगे कि इसके थ्रू आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या इसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स है, उस सबको हम लोग आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपके साथ कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग द सुपर ट्रेंड टेक्नोलॉजी या सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। बट फिलहाल आप समझ लीजिएगा कि अभी बहुत ही अच्छे मूवमेंट हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर, और यही कारण है कि जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है, चाहे वो एस्कॉट्स हो गया, चाहे वो मारुति सुजुकी हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, टी वी एस मोटर्स हो गया, कोई भी हो गया, सभी ने बहुत अच्छे और शार्प मूवमेंट दिए हैं आज। तो टी वी एस मोटर्स एक बाय कॉल रहेगी हमारे लिए, लंबी अवधि के लिए कॉल रहेगी आपको, शॉर्ट टर्म में यानी कि अगले 1 से 3 महीने के अंदर आपको 610 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अ गोल्डन स्टॉक फॉर योर फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा शेयर है जो कि आपके फ्यूचर को बनाएगा और उसमें जान डाल देगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए टी वी एस मोटर को SIP के थ्रू परचेस करने की, 50, 20, 50, 100 शेयर जो भी आपकी कैपेसिटी है इसको बाय कीजिए, क्योंकि वंस द बुलिश मार्केट विल स्टार्ट, एक बार जब मार्केट बुलिशनेस में आएगा तो ये काउंटर आपको 1000 रुपीज़ से पहले रुकता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो दोस्तों आज का वीडियो इतना यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पॉजिटिव ब्रेकआउट के काउंटर पर आप लोग नज़र बना कर रखेंगे, इसमें ट्रेंड का रिवर्सल है और इसीलिए मैंने आपके साथ ये काउंटर शेयर किया है। सो टी वी एस मोटर इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल एंड गोइंग टुवर्ड द 600 रुपीज़ टारगेट, ओके। सो फ्रेंड्स अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ और अच्छे काउंटर्स के साथ, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त मुनाफा मिल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मनी ट्री को, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और साथ ही आपके लिए एक और बेनिफिटेड चीज़ है, एक और यूज़फुल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग अमेज़न से किसी भी प्रोडक्ट की बाइंग करते हैं तो जनरली आप लोगों को शिपिंग चार्जेस लगते होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके शिपिंग चार्जेस नहीं लगें, फ्री शिपिंग्स आपको मिलें, तो आप लोगों को अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो कि 1000 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली होती है।
ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो दोस्तों मैंने अमेजन प्राइम का लिंक आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अमेजन से कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी ग्रॉसरीज खरीद सकते हैं, अपनी बुक्स खरीद सकते हैं जो कि हम लोग टेक्निकल बुक्स बताते हैं आपको, ठीक है, किसी भी तरह के और जो भी गैजेट्स हैं आप खरीद सकते हैं, आपको प्राइम डिस्काउंट मिलेगा प्लस फ्री शिपिंग भी मिलेगी, सो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा अगर आप खरीदते हैं तो। सो कीप एंजॉय प्रॉफिट्स, क्योंकि पैसा कहीं से भी बच रहा है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, अगर आप वहाँ से शिपिंग का कुछ अमाउंट बचेगा आपका एक रेगुलर वे में, अगर आप लोग एक रेगुलर बायर हैं अमेजन के थ्रू तो आपका जो शिपिंग का और जो ऑफ़र के जो प्राइसेस बचेंगे प्राइम लिंक के थ्रू, उसमें उस पैसे को बचा के आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, हालांकि वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा बट बूंद बूंद से सागर भरता है दोस्तों। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं, याद रखिएगा अमेजन प्राइम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप अमेजन से कुछ भी खरीदें अगर या आप खरीदते हैं तो प्राइम लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी प्लस एक अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।